दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का कॉल डिटेल हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा यह समझा दूंगा कि तो हमारे इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसे लाइक करना है और हमारे चैनल को जो है, जो इस वीडियो के नीचे चैनल का सब्सक्राइब बटन जो है दिख रहा है, उसे सब्सक्राइब करना है और साथ में आए बेल आइकन को भी टच करना है। इससे हो गया कि जब भी हम कोई वीडियो इस तरह की डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगी। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएँगे और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बताते हैं आपको कि किसी भी नंबर का कॉल डिटेल कैसे निकालते हैं सभी, वो हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना है E2PDF और यहाँ पे हमें ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा और इंस्टॉल करने के बाद आप जो है ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद थोड़ा समय लगेगा और क्लिक टू कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद जो है हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे हमें डेट सिलेक्ट करना है कब का हम निकालना चाहते हैं, जैसे हमें सितंबर अगस्त का निकालना है। और उसके बाद मिस कॉल देखना है कि हमें, मान लीजिए मिस कॉल देखना है, आप यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं, चार ऑप्शन में चारों। यहाँ पे जो है PDF का नाम देना है, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट टू PDF कर देंगे। जैसे एक्सपोर्ट टू PDF करेंगे, आपको यहाँ PDF के रूप में दिखने लगेगा। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत तरीका है एप्लीकेशन के माध्यम से, क्योंकि आज तक ऐसा कोई एप्लीकेशन जो है नहीं बना है कि आपकी कॉल डिटेल वो पूरी तरह से निकाल सके। मान लीजिए आप जो डिलीट नहीं किए हैं वो तो आपका डाटा कलेक्ट करके एप्लीकेशन जो है कलेक्ट करके आपको PDF के रूप में दे सकता है कॉपी करके, लेकिन सही कॉल डिटेल जो है निकालने के लिए कंपनी में ही मैसेज करना पड़ता है। वो क्या मैसेज करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, किस नंबर पे मैसेज करना पड़ता है, वो हम अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और मैसेज करने के बाद जो है कंपनी वाले आपको जितने दिन का आपको चाहिए रहता है, लास्ट 6 महीने का मिलता है स्टेटमेंट आपको पूरा कॉल डिटेल का, तो वो कंपनी वाले जो आपको दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे वो और कोई हो, किसी को परमिशन जो है नहीं होता है कि किसी का कॉल डिटेल निकाल सकें। केवल कंपनी जैसे एयरटेल चला रहे हैं आप, आइडिया चला रहे हैं, जियो, वोडाफोन, BSNL जो भी है, वो आप क्या चला रहे हैं उस कंपनी पे जो है आपको मैसेज करना पड़ता है। मैसेज के बदले में आपको रिप्लाई में ईमेल पे जो है आपका कॉल डिटेल PDF के रूप में आपको भेज दिया जाता है, आप उसे देख सकते हैं। ये कैसे मिलेगा ये हम अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अगली वीडियो हमारी देखने के लिए अभी से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आए बेल आइकन को भी टच कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। आशा करते हैं वीडियो आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये जो एप्लीकेशन है किस तरह से फ्रॉड का काम करता है। जो आपका कॉल हिस्ट्री रहता है उसी को उठा के आपको PDF बना के दे देता है और आप समझ लेते हैं कि हमने इनका कॉल डिटेल जो है निकाल लिया, लेकिन हम आपको सही तरीका कल अगली वीडियो में जो है ज़रूर बताएँगे और कैसे कॉल डिटेल निकालना है। ये देखने के लिए आप अभी से हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए। धन्यवाद।